गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम अपने बीएड सेकंड फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण पेपर थर्ड जो है अपना अधिगम और शिक्षण, इसमें जो हमारी सेकंड यूनिट चल रही है आज का हमारा प्रकरण है शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम, यानी शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर भी व्यक्तिगत अधिगम की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें प्रशिक्षुओं द्वारा शारीरिक स्थिति को देखकर उसके अनुरूप अधिगम क्रिया का सृजन किया जा सकता है। यानी बालकों की जो शारीरिक स्थिति है, शारीरिक विभिन्नता है, उन विभिन्नताओं को देखते हुए अब जो है अधिगम की प्रशिक्षकों और शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए उसी प्रकार की अधिगम की व्यवस्था की जा सकती है। हम इसके स्वरूप को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले है आयु की भिन्नता के आधार पर अधिगम व्यवस्था। आयु की भिन्नता के आधार पर, आयु की भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये समझ सकते हैं हम कि एक ही कक्षा में जो है एक ही कक्षा में आयु के संबंध में भिन्नता पाई जाती है। यानी एक ही क्लास में विभिन्न प्रकार की जो आयु है उस भिन्नता को देखते हुए बालकों में आयु की भिन्नता पाई जाती है। यानी एक ही कक्षा में जैसे एक 5 वर्ष का बालक पढ़ रहा है तो उसी कक्षा में हो सकता है कि 8 वर्ष का बालक भी हो, 7 वर्ष का बालक भी हो और 6 वर्ष का बालक भी हो। प्रत्येक आयु वर्ग की के छात्रों की संख्या एक ही कक्षा में पाई जाती है। यानी प्रत्येक आयु वर्ग की अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों की संख्या जो है वह एक कक्षा में पाई जा सकती है। और प्रशिक्षकों या शिक्षकों को यह दायित्व होता है कि विभिन्न आयु के वर्ग के विद्यार्थियों का अलग अलग समूह बनाए। जैसे 5 साल का बालक है तो 5 साल के बालकों का समूह बनाए, 7 साल का के विद्यार्थी है तो उनका समूह बनाए, 8 साल के विद्यार्थी है तो उनका अलग अलग समूह बनाकर उनको विभाजित करें और उनके लिए अधिगम क्रियाओं का सृजन करना चाहिए। किसके द्वारा? शिक्षकों के माध्यम से, जिससे उस कक्षा के प्रत्येक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उन प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, वह शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उनकी आयु के अनुसार उनका अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सके। तो यानी कहने का मतलब है कि आयु की विभिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, यानी जो कक्षा है, कक्षा में जो प्रत्येक आयु वर्ग के स्तर के अनुसार बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं तथा उनको उन्हीं के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करके उनके लिए अधिगम की जो प्रक्रिया है या अधिगम की जो क्रियाएं है उनका सृजन करना, उनका निर्माण करना और उन्हीं उनकी आयु के अनुसार ही उनका उनको अधिगम करवाना। अब जब हम आयु के अनुसार उनको अधिगम करवाएंगे तो उनका जो अधिगम स्तर है वह उच्च होगा। फिर है शारीरिक परिपक्वता के आधार पर, शारीरिक परिपक्वता के आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन। यानी अनेक
छात्र ऐसे होते हैं और या अनेक छात्रों की आयु की वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे बालक की आयु वृद्धि होती है उस आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते जाते हैं, किंतु कुछ छात्रों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं आती है। यानी उनकी आयु तो बढ़ जाती है किंतु शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनमें परिपक्वता नहीं आती है। दोनों ही स्थितियों में शिक्षकों का यह दायित्व बनता है या दोनों ही स्थितियों में शिक्षकों द्वारा उनकी पहचान कर उनके लिए अधिगम क्रियाकलापों का सृजन करना और उन्हीं के शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को देखते हुए उनके लिए अधिगम से संबंधित उन गतिविधियों को संपन्न करवाना करवाना जिससे कि बालक जो है जो शारीरिक रूप से परिपक्व है मानसिक रूप से परिपक्व है उनके लिए उससे बेहतर अधिगम की जो गतिविधियां उनका निर्माण करना और जो जैसे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपरिपक्व है उनके लिए उनके अनुसार अधिगम की व्यवस्था करना, यानी दोनों के लिए अधिगम की व्यवस्था उनके शारीरिक परिपक्वता तथा मानसिक परिपक्वता के आधार पर ही करनी चाहिए, जिससे कि बालक जब हम उनके अनुसार अधिगम की जो क्रियाएं सृजित करेंगे उनका सृजन करेंगे तो विद्यार्थी का अधिगम स्तर उच्च होता है। इससे फिर स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। अब जो है जैसे एक ही कक्षा में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अंतर पाया जाता है। कुछ छात्रों का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। यानी स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्तर है वह भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार के छात्रों के लिए उच्च अधिगम स्तरीय क्रियाओं का चयन करना चाहिए तथा जिन छात्रों की शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य होता है उनके लिए सामान्य अधिगम की क्रियाएं कलापों को चयन करना चाहिए, जिससे कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने में स्वस्थ है और उसका मानसिक स्तर भी अच्छा है तो उनको जो है सरलता से कठिन की ओर तो ले जाते हैं किंतु उनको उससे भी अधिक बेहतर जो है क्रियाओं को करवाना चाहिए। और जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक है उनके लिए उनके अनुसार उसी प्रकार की क्रियाएं करवानी चाहिए जिससे कि उनका अधिगम स्तर उच्च हो सके। उसके बाद है विकलांगता के आधार पर यानी विकलांगता के आधार पर जो है शिक्षकों द्वारा या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके द्वारा छात्रों की जो आवश्यकताओं है उन आवश्यकताओं की पहचान कर अधिगम परिस्थितियों का सृजन करना चाहिए। इसके लिए विकलांगता के आधार पर सभी कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का एक समूह बनाकर उसका निर्धारण करके इसके बाद उनकी जो आवश्यकताएं है अधिगम की गतिविधियों उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिगम की गतिविधियों का सृजन करना चाहिए। जैसे बालकों को सिखाने के लिए या विकलांग बालकों को सिखाने के लिए हम जो है बैठे बैठे जैसे प्रश्न उत्तरी करवा सकते हैं, अंताक्षरी करवा सकते हैं, कैरम बोर्ड से संबंधित गतिविधियां करवा सकते हैं और कई इसी प्रकार की जो है गतिविधियों को करवाकर उनके अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। फिर थकान के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, थकान के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। यानी कुछ छात्र शारीरिक और मानसिक श्रम करने पर शीघ्र थक जाते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से जो जब काम करते हैं कुछ विद्यार्थी तो जल्दी से थक जाते हैं तथा कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो देर से थकान का अनुभव करते हैं। इसलिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों का यह दायित्व बनता है, उनका यह कर्तव्य बनता है कि उनको यह प्रयास करना चाहिए
कि जो दोनों प्रकार के जो छात्र है उन दोनों प्रकार के छात्रों के लिए पृथक पृथक समूह का निर्माण करना, जैसे मानसिक रूप से जो पहले थक जाते हैं और जो बाद में थकते हैं उनके लिए अलग अलग समूह का निर्माण करके, जो छात्र शीघ्र थकान का अनुभव करते हैं उनके लिए छोटी छोटी और सरल गतिविधियों जो है इससे संबंधित उन गतिविधियों का चुनाव करके ही उनको देना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी कम थकान अनुभव करे। और जब हम सरल गतिविधियों को देंगे तो वो कम समय में ही पूरी हो जाती है, जिससे कि उनको थकान नहीं होती है। तथा जो छात्र देर से थकते हैं उनके लिए दीर्घ आयु अवधि वाली यानी लंबे समय की अवधि वाली तथा सामान्य से कठिन गतिविधियों का चुनाव करके उनको उनसे उन गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए, जिससे कि वह थकान महसूस न करे। तो इस प्रकार से दोनों के लिए, उनके मानसिक और शारीरिक रूप से थकान वाले बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का निर्माण करना और उनका आयोजन करना। उसके बाद है शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। शारीरिक गठन के आधार पर यानी इसमें जो है बालकों की जो शारीरिक गठन होता है, जो शारीरिक बनावट होती है, उन बालकों के शारीरिक गठन व बनावट के आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी बालकों की जो शारीरिक बनावट होती है उसको देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है तथा उनकी गतिविधियों को देख कर भी व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे प्रशिक्षुओं या शिक्षकों द्वारा शारीरिक गठन एवं गतिविधियों के आधार पर जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो बच्चे हैं उन बच्चों की पहचान कर उनका पता लगाया जा सकता है तथा सभी छात्रों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर गतिविधियां प्रदान की जा सकती है। जैसे अंतर्मुखी जो बालक है उनके लिए अलग प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है और जो बहिर्मुखी जो बालक है उनके लिए समाज से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करके उनसे कार्य करवाया जा सकता है। तो इन सब बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि छात्रों की विभिन्न प्रकार की रुचियों, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, उपलब्धियों एवं अभिवृत्तियों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है कि बालक की रुचि क्या है, उनकी अभिवृत्ति क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है। इन सब के आधार पर जो है बालक को पहचाना जाता है कि कौन सा बालक तीव्र बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि वाला है या सामान्य बुद्धि वाला है। उनको अलग अलग समूहों में विभाजित करके उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिगम की स्थितियां है जो सृजित की जाती है और उन्हीं अधिगम की स्थितियों का सृजित कर निर्माण कर हम विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को उच्च बना सकते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम का स्वरूप समझाइए। शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम का स्वरूप समझाइए, जो कि आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। अब एक विशेष बात, जैसे कि
हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैल रही है तथा इस भयंकर महामारी से लड़ने के लिए, इसे निजात पाने के लिए छोटे छोटे उपाय करके हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और इसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, हाथों को साबुन से बार बार धोना और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना। तो इस प्रकार इन उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।